देखिए अब यहाँ पर कोई ध्यान रखेंगे एक चीज का, क्या ध्यान रखना है हम लोगों ने, क्वेश्चन में दिया क्या है बस उसको लिख लीजिए, बाकी इसमें क्वेश्चन में क्या वर्ड प्रॉब्लम कितना क्या क्या लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो सिंपल बता दीजिए प्रिंसिपल क्या होता है जो हम लोग रुपये लेते हैं। तो यार कमला बोरो, बोरो मतलब उसने लिए कितने रुपए लिए, 26,400 रुपीज उसने लिए। कहाँ से लिए, अ बैंक बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%। उसने लिए कितने रुपए, 26,400 की एक स्कूटर ली उसने, और उसको बैंक ने कहा आपको 15% के हिसाब से रुपए देने पड़ेंगे पर एनम, पर एनम मतलब साल, एनम मतलब एयरली, ठीक है पहले बता चुका हूँ, एनम मतलब एयरली, तो हर साल। अब एयरली है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पर एनम पढ़ना है। अब हाफ एयरली होता तो हम लोग टाइम क्या कर देते, हाफ कर देते और रेट को हाफ कर देते, टाइम को डबल कर देते, सॉरी ठीक है। अगर यहाँ पर कहते हैं हाफ एयरली होता तो हम क्या कर देते, टाइम को डबल कर देते और रेट को हाफ कर देते, लेकिन ऐसा कुछ कर जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ तो 2 ईयर तो ठीक हो गया, ये कह रहा है 4 मंथ, ये कह रहा है इसको 4 मंथ का बताओ कह रहा है, तो 4 मंथ इसका टू ज्यादा हमारा 4/12 ईयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमें पता है कि एक साल में 12 महीने, क्या पता है हमें, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, यही तो पता है हमें। तो 1 मंथ इक्वल टू क्या, 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर, 1 महीने में कितना, 1/12 1/14 ईयर ही दूंगे, तो 4 मंथ इक्वल टू कितना, 4 मंथ इक्वल टू कितना, 4/12 ईयर, समझ गया आगे। तो 4 मंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4/12 ईयर में हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे को कितना आएगा, ईयर आ जाएगा इसके आगे, बस 4/ईयर, इसको कर दो 1/3, 1/3 आ गया, ठीक है। ये तो हमारे कहते 1/3 ईयर हो गया, सिंपल सी बात है। इसको अब मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है, इतना समझो आगे होगा आपके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ईयर प्लस कितना, 4/12 ईयर, यही तो है ठीक। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 2 साल का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उस वही हमारा क्या होगा, उसी को हम लोग प्रिंसिपल कंसीडर कर लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। वो बताता हूँ ऐसा क्यों होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जो हमारा इंटरेस्ट पड़ता है वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ता है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में पड़ता है, जितना हम लोग रुपये लिया होता है, जितना हम लोग रुपये दे रहे होते हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे को ये हमारा टाइम आ गया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ को अमाउंट ऑफ फॉर्म लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1/R/100 की पावर एन, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। अभी हम लोग कितने का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, ठीक है 2 साल का ही निकाल लें, अभी बताऊंगा आगे इसका कब कैसे कैसे निकालेंगे। कभी भी क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा कि 2 साल कैसे निकाल लीजिएगा, इसको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाल लीजिएगा। मैं बता देता हूँ जल्दी से, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना, पी कितना है 26,400 इंटू 1/R कितना है हमारे पास 15/100 की पावर एन, कितना रखा है हमें 2 रखा, अभी मैंने 2 ही रखा, 4/12 बाद में रखूंगा, ठीक है। तो ए आ गया 26,400, इसको चाहो तो कन्वर्ट कर लो या फिर पहले कट कर दीजिए, 15 से कट कर दूं, तो देखिए यहाँ पे को 5 से करता हूँ, 3 टाइम 5 से करता हूँ कितना 20 टाइम, तो 3/20 तो 23 क्योंकि 20 एलसीएम तो आता है सबको, तो ये बार 23/20 की पावर 2 ये हो जाएगा। और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26,400 इंटू 23 इंटू 23, 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिया, 20/20/20, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो सकती है, ठीक है। 2 से कट करना चाहूँ, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 यानी 2 से कट करना चाहूँ, 2 2 6 4 2 6 4 66। तो अगर मैं अब यहाँ अमाउंट निकालूँ तो अमाउंट कितना आ रहा होगा, ए इक्वल टू हो गया 66 × 23 × 23। तो ये करेंगे हम जल्दी से, देखिए तो ये यहाँ पे को क्या आया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे को देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया, जो हमारा अमाउंट आया वो आया इसका 34,914। तो जिसने बैंक को ना 2 साल के बाद 15% का इंटरेस्ट लिया, तो 2 साल के बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे, 34,914, लेकिन 2 ईयर आया, अब 4/12 अभी भी बच गया है। अगर मानो
आप बैंक से इतने रुपए लेते और कितने महीने के लिए लेते, 4 महीने के लिए लेते, 4 महीने के लिए निकालते, तो कैसे निकालते? तो हम लोग सिंपल सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते थे, सिंपल इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो इसका मतलब इतने रुपए तो इसने बैंक से ले लिए, ये भी तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 2 साल में कितने रुपए देगी, इतने देगी, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ता है ना मैंने, इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा। तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34914 मल्टीप्लाई आर। अब आर कितना रहेगा, वही रहेगा 15%, 15 का 15। अब टाइम, टाइम कितने महीने के लिए, 4 महीने के, तो 4 अपॉन 12 अपॉन 100 ये हो जाएगा। मैं सो कट कर लेता हूँ जल्दी से, देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंपल से कट हो रहा है, 4 से कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम कट हो जा रहा है, ठीक है। 3 से देखो ये भी कट हो रहा है, 3 से कितना टाइम हो रहा है, ये 5 टाइम हो जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने से पहले कर दो, इसको इससे यहाँ काट दो, 20 टाइम ही कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझते रहिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर पूछ लीजिएगा बाद में। एस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34914 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं किया, अपॉन क्या लिख सकता हूँ उसको, 2 × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 से इसको कट कर देता हूँ, 2 से इसको कट कर दिया, 2 × 2 2 × 7 = 14 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14 तो ये कितना आ गया, ये आ गया 17457 upon 10। तो अपॉन 10 आ गया, अपॉन 10 का मतलब एक प्लेस के बाद क्या लगा देना है मेरे को, पॉइंट लगा देना है। एस आई इक्वल टू आ गया 174.57। इतने रुपए तो इसको 1475 रुपीज इसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कितने साल में, सारी 4 महीने में। तो इसमें इसको प्लस कर देंगे किसके साथ, इसके साथ प्लस कर देंगे, इसको एरेज कर लेना, यहाँ बता दे रहा हूँ। तो कितना आएगा, 34914 प्लस पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, उसके पीछे लिखते हैं 5471.7, तो यहाँ पॉइंट 7 5 4 7 9 5 6 6 3 तो ये आ जाएगा। इसको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 36,659.7, ठीक है। इसका आंसर मैं देख लिया है और ये आंसर यही आ रहा है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी ऐसे आए 2 ईयर और कुछ मंथ आ जाए, तो मंथ वाले को अलग से साइड रख लीजिए, 2 ईयर वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल सकते हैं। ये निकाल के यहाँ पे को उसका क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसमें रख के, एसआई में रख करके ऐसे निकाल देंगे, तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है। देखो इसमें अमाउंट ही नहीं आता, इंटरेस्ट आता है, तो अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को पे कर दीजिए, अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को भी जोड़ दीजिए, और ये आ जाएगा हमारा टोटल कितने रुपए देने हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते तो इसको कैसे कर सकते थे, पहले ईयर में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, दूसरे ईयर में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, और 4 महीने में कितने निकल देने पड़ रहे हैं, ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे बताऊं, ऐसा ही निकाला आपने, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1 साल के लिए निकाल देते हैं, 1 साल का जो आता वो जो ऐसा ही आता, जितना इंटरेस्ट देना पड़ता आपको, जितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ब्याज बोलते हैं उसको हिंदी में, जितना रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको ऐड कर देते हैं इसके साथ। इतने रुपए देने पड़ते हैं आपको 1 साल में, उसको अगले साल प्रिंसिपल मांग लेते हैं, दूसरे साल का निकल जाता, फिर जो आता उसको प्लस कर देते किसमें, जितना भी आता उसको प्लस कर देते, जो सिंपल इंटरेस्ट उसको प्लस कर देते, जो यहाँ पे को आया था इन दोनों को प्लस करके उसमें, फिर तीसरे वाले को उसको प्लस करके इसमें निकाल देते। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 3 टाइम में निकालना पड़ता है हमें, प्लस प्लस करके निकल सकता है। किसको समझ में नहीं आया तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो ये ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप जल्दी से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 2 लड़कियां हैं, वो इतना रुपया लेती हैं, कितना, 12,500 लेती हैं, रेट लेती हैं 12% का और टाइम लेती हैं 3 साल का। एक तो लेती है सिंपल इंटरेस्ट पे, एक किसको लेती है, सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है रुपीज, और एक ले लेती है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रुपीज ले लेती है। तो बताओ कह रहा है किसमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो पहले वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे निकाल लीजिए, ऐसा ही इससे निकाल सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के थ्रू इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसा ही। यहां से जो आएगा इसको टी कितना रख देंगे, 2 3 ईयर रख देंगे, ये इतना रख देंगे क्योंकि ये पहली वाली एसआई के थ्रू ले रही है। तो जो भी आएगा ये क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ये क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मतलब ब्याज, इतना रुपया एक्स्ट्रा देना है उसको प्लस कर दीजिएगा इसमें, तो पता चल जाएगा इसमें टोटल कितने रुपए देने हैं। जैसे आपने किसी 100 रुपए दिए, आपको इंटरेस्ट पड़ गया 5 रुपए का, तो आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे, 105 देने पड़ेंगे। तो इससे क्या निकलता है, खाली इंटरेस्ट निकलता है, इससे क्या निकलता है, सीधे
इंटरेस्ट निकलता है, तो इंटरेस्ट निकलेगा कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे, उसको प्लस करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको इसमें प्लस करना पड़ेगा, तब हमें क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा कितने रुपए इसको देने पड़ेंगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में कुछ नहीं करना आपको, इसमें फॉर्मूला ही होता है पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड पावर एन। सीधे सीधे फॉर्मूला रखिएगा, इसको कट कट कर दीजिएगा और आंसर निकालिए, देखिएगा दोनों में किसका आंसर ज्यादा आ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिख लीजिए, उससे क्या पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप व्यूज देखेंगे तो व्यूज बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि खाली मेरी मेहनत बर्बाद जा रही है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, बोर्ड में जाके कट करो, तो कम से मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि कौन से बच्चे देख रहे हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक बार जाके प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख लीजिएगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है, आई बोरो एट 12,000 फ्रॉम जसमीतपुर एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर, हैड आई बोरो द सम ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, वट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव पे। तो उसने सेम चीज की ले ली, तो कह रहा है मैंने कितने रुपए लिए, कह रहा है 12,000 रुपए लिए, एक बार उसने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, एक बार उसने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दोनों में देख लो, तो कह रहा है कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे बताओ, कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है जसमीत ने क्या ले रहे, 12,000 रुपए ले रखे हैं, क्या 6% के इंटरेस्ट पे ले रखे हैं, और 2 साल के ले रहे हैं, और एक ने भी सेम ऐसे ही कर रखा है, क्या आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनम इंटरवर्ट बोलते हैं, तो वही सेम बात है, दोनों ने 2-2 साल के लिए सेम वही क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से आगे करेंगे, ज्यादा लोड देना नहीं चाह रहा हूं मैं आपको, धीरे धीरे करके सीखिए, 3 क्वेश्चन काफी हैं एक दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है इनमें और थोड़ा दिमाग भी खर्च होता है, तो उसको कीजिए, अगर नहीं आता फिर भी समझ में प्लीज पूछिए, पर्सनली पूछिए, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इनसे तो मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि अगर नहीं आता है क्वेश्चन, नहीं आ रहा समझ में, पर्सनली पूछ लीजिए, कॉल में पूछ लीजिए, वीडियो कॉल में पूछ लीजिए, या टेक्स्ट कर दीजिए, कुछ भी करिए, या पूछिए। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत काम की चीजें हैं ये, बाकी जब आप कॉम्पिटिशन देने जाएंगे आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक और चीज, नाम जरूर लिख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आप ही देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, अपना ओरिजिनल नाम लिखिएगा। थैंक यू।